ट्रीटमेंट भाई पर थायराइड हम सबसे पहले इस पेशेंट को हम प्रोपेनालोल पे रखते हैं। प्रोपेनालोल हमें पता है वो बीटा ब्लॉकर है, वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को तो ब्लॉक करते हैं, हार्ट रेट उससे डिक्रीज हो जाते हैं, टैकीकार्डिया नॉर्मल पे आ जाते हैं, लेकिन साथ में उसका मोड एक्शन क्या होता है वो T4 को T3 में जो कन्वर्ट करते हैं पेरिफेरल सेल के अंदर उसको स्टॉप करवा देते हैं। ठीक, तो हमारे पास ओवरऑल T3 एंड T4 हार्मोन के जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है। सेकंड नंबर पे प्रोफाइल टायरोयुरासिल, याद रखो ये ड्रग्स क्या करती है कि ये TPO जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करवा देती है। अगर थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी हमने स्टॉप कर दी है, इट मीन अब T3 एंड T4 हार्मोन नहीं बनेंगे, और इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज T3 एंड T4 हार्मोन। इसके अलावा मेटामिजोल अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स है, ये ड्रग्स क्या करती है, दो काम कर रही होती है, एक तो T4 का जो T3 में कन्वर्जन है उस प्रोसेस को स्टॉप करवाती है, रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन T3 एंड T4। सेकंड नंबर पे ये जो आयोडीन की अपटेक है बाय थायराइड सेल उस वाले प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर रहा होता है, तो लेस आयोडीन अगर थायराइड को जाएंगे तो लेस T3 एंड T4 हार्मोन बनेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडाइड अगर हम ये पेशेंट को दें तो इससे क्या हो जाते हैं कि थायराइड के जो फॉलिकल्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकल। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, जब ये थायराइड फॉलिकल्स के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन ये पहुंच जाती है, ये वाली केमिकल, तो ये वहां पे गामा रेज रिलीज करते हैं और थायराइड के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। मल्टीपल सेल अगर डिस्ट्रॉय जाए तो ओवरऑल इफेक्ट इसका होता है कि थायराइड के फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी, सर्जरी टू टाइप के होते हैं। अगर हम एक लूप को रिमूव करते हैं, लेट सपोज थायराइड के इस लूप को हमने रिमूव कर दिया तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज लोबेक्टोमी। सम टाइम अगर ओवरऑल हमने रिमूव किया थायराइड ग्लैंड तो उसको हम कहते हैं थायराइडेक्टोमी। सही, ट्रीटमेंट के अंदर तीन चार मेडिसिन है, प्रोपोल प्रोपाइल थायरोयुरासिल मेटामिजोल और रेडियो एक्टिव आयोडाइड, ये हम देते हैं। और लास्ट में हम सर्जरी पे आते हैं, फुल्ली रिमूव करेंगे थायरोइडेक्टोमी, या अगर एक लूप को रिमूव किया तो लोबेक्टोमी। इन अदर टर्म जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टोन या थायरोटॉक्सिकोसिस, इसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन की मात्रा एक्सेसिव एलिवेटेड, एक्सेसिव हाई हमें मिल रहे होते हैं। नॉर्मल नहीं, देखिए 5-10 ग्राम पर डीएल प्री T4 के लिए, और उसके लिए T3 के लिए 80-220 नैनोग्राम पर डीएल। सही, अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो तो फिर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की जगह वर्ड यूज करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस और थायराइड स्टोन। कौन से कंडीशन है जिसके अंदर, या अगर हम काज की बात करते हैं जिसके अंदर एक्सेसिव T3 और T4 हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, इंफेक्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीवियर ट्रॉमा या सर्जरी। तो आइदर वो लोबेक्टोमी हो सर्जरी हो या बॉडी की कोई और सर्जरी, लेकिन सम टाइम वो लीड करते हैं एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन की मात्रा को बढ़ाते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टोन की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक सेम है, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए या थायराइड स्टोन के लिए डायग्नोस्टिक सेम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन के अंडरलाइन कारण क्या है, वही डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, प्रोपेनालोल, ठीक है, सारे पीपी है याद कर लेना, प्रोफाइल थायरोयुरासिल, इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड ऑप्टेक जिससे उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, इसके अलावा प्रेडनिसोलिन हम देते हैं, इसके अलावा प्लेंटी ऑफ्लू क्योंकि इससे हीट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ड्यूरिंग स्पेशन का रिड्यूस हो रहा होता है, इसके अलावा पायरेटिक कंट्रोल क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तो हमने इसके प्योर को कंट्रोल करना है। जो ट्रीटमेंट है ये